मूक नायक यानी मूक लोगों का नायक, हीरो ऑफ द डम्ब। 31 जनवरी 1920 को मराठी में पाक्षिक यानी हर 15 दिन में निकलने वाला अखबार शुरू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना मीडिया होना बहुत जरूरी है। द शूद्र के मास्टर हेड पर भी हमने उनकी यही बात लिखी है। बाबा साहब मनुवादी मीडिया की सच्चाई अच्छे से जानते थे, इसलिए मूक नायक के पहले संपादकीय में बाबा साहब ने इसके प्रकाशन के औचित्य के बारे में भी लिखा था। बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय के उपाय सोचकर उनकी भावी उन्नति और उनके मार्ग के सच्चे स्वरूप की चर्चा करने के लिए वर्तमान समाचार पत्रों में कोई जगह नहीं है। ज्यादातर समाचार पत्र खास जातियों के हित साधन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी वे दूसरी जाति के लोगों के खिलाफ भी लिखते हैं। बाबा साहब ने मूक नायक के जरिए न सिर्फ अछूतों में चेतना जगाई बल्कि दमदार तरीके से बहुजन समाज के हितों की पैरवी भी की। 28 फरवरी 1920 को प्रकाशित मूक नायक के तीसरे अंक में डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्वराज्य नहीं हमारे ऊपर राज्य है शीर्षक संपादकीय में साफ साफ कहा था कि स्वराज्य मिले तो उसमें अछूतों का भी हिस्सा होना चाहिए। मूक नायक बाबा साहब की अनूठी धरोहर है, इसलिए इसको न सिर्फ संजोए रखने की जरूरत है बल्कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को जन जन तक पहुँचाने की भी जरूरत है।